आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का क्वेश्चन है कि हमें डिस्कस करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उन्हें डक्टिलेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली हम बात करें अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। तो हमें यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड का तो काम ही क्या होता है, प्रोडक्ट को सिक्रीट करना। मगर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या करती है, सिक्रीट करती है उनके प्रोडक्ट को। अब नॉर्मली एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे करती है, प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन्स को सिक्रीट काय में करती है, डक्ट में। मगर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डायरेक्टली सिक्रीट करती है कहाँ पर, किसी भी हम मतलब ऑर्गेनिज्म के ब्लड के अंदर या फिर ह्यूमन बींग के ब्लड के अंदर। क्यों करती हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट होता ही नहीं है, दे लैक डक्ट। इनके पास डक्ट नहीं होता है इसलिए डायरेक्ट क्या करती हैं, ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं। और यही रीज़न है कि हम इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं, डक्टिलेस ग्लैंड्स कहते हैं। तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।